गुड मॉर्निंग बच्चों, अपनी जो सेमूसी पाठ्यपुस्तक है उसके पहले पाठ का हम अभ्यास कर रहे थे। चार प्रश्न हो गए। अब ये पांचवा प्रश्न देखिए। अधोलिखितानाम प्रश्नानाम पर्याय पदम लिखत। नीचे लिखे शब्दों के पर्याय पद लिखने हैं आपने। पर्याय का मतलब होता है समानार्थक। जैसे इसमें दे रखा है सलिलम, तो सलिलम का हमने क्या लिखना है? जलम, नीरम, अम्बुम, कुछ भी लिख सकते हैं। तो जलम लिख देंगे। आम्रम, आम्रम का रसालम लिख देंगे। वनम का अरण्यम लिख सकते हैं। कांतारम भी लिख सकते हैं। फिर है शरीरम, शरीरम का देहम लिख सकते हैं। कुटिलम, कुटिलम का वक्रम, कुटिल टेढ़ा होता है, वक्र माने भी टेढ़ा होता है, ठीक है। उसके बाद है पाषाणम, पाषाणम का हम प्रस्त्रम लिख सकते हैं या शिलाखंडम भी लिख सकते हैं, ठीक है। छठा क्वेश्चन देखिए। छठा प्रश्न है उदाहरणम अनुसृत्य पाठा चित्वा च समस्त पदानि लिखत। यानी उदाहरण का अनुसरण करें, पहले एक उदाहरण दे रखा उसी के अनुरूप जो है पाठ से चुनकर समस्त पद लिखना है आपने। इन्होंने एक उदाहरण दे दिया, पहले विग्रह दिया हुआ है मलेन सहितम, मलेन सहितम। इसका समस्त पद पाठ में आया है समलम। क्या है? समलम। तो वैसे ही हमने इनके बनाने हैं। तो दूसरे नंबर छह नंबर पर है हरिता चाहिए तर्व हैं, हरे हैं जो पेड़, तो तेसाम। इसके लिए इसमें कौन सा समास आएगा? पहले इसका शब्द देखिए कि हरित तरुणाम, हरिता चाहिए तर्व है, हरित तरुणाम। और इसमें समास कौन सा है? कर्मधारे। ललिता च या लता, और ललित हैं जो लताएं, तासाम। तो ललित लता नाम, ललित लता नाम, ये तो होगा समस्त पद। और समास की बात करें तो कर्मधारय ही है इसमें। कर्मधारय में क्या होता है? विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय का संबंध होता है पूर्व पद और उत्तर पद में। घ का देखिए, घ में है नवा मालिका, तो शब्द बन गया नव मालिका। तो समस्त पद तो नव मालिका हो गया और समास कर्मधारय हो जाएगा। पांचवा अंग भाग धृत है सुख संदेश है येन तम, धारण किया गया है सुख का संदेश जिनके द्वारा। तो यहाँ धृत सुख संदेशम, धृत सुख संदेशम, और समास हो गया बहुव्रीही। अगला है कज्जलम इव मलिनम, काजल के समान ही मैला, तो काला भी कह सकते हो, मैला भी कह सकते हो। तो कज्जल मलिनम, कज्जल मलिनम, ये तो हो गया समस्त पद और समास हो गया कर्मधारय। और छह भाग देखिए, छह छत्री दुर्दांत ही दशनई ही, तो दुर्दांत दशनई ही क्या हो जाएगा? दुर्दांत दशनई ही, और समास कर्मधारय। सातवां क्वेश्चन देखिए रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुते, रेखांकित पद के आधार पर प्रश्न निर्माण करें। क्या भाग देखो, सकटी यानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचति। तो कज्जल मलिनम के स्थान पर तो किदृशम, जो गाड़ियां हैं वो कैसा धुआं छोड़ती हैं। उसके बाद है खै भाग उद्याने पक्षिणाम कलरवम चेतः प्रसादयति, उद्याने पक्षिणाम कलरवम चेतः प्रसादयति। तो पक्षिनाम की जगह पर बहुवचन हो गया केशाम आ जाएगा। उसके पश्चात है गैबाग पाषाणी सभ्यतायाम लता तरु गुलमह प्रस्तर तरय पिष्टा संति, तो लता तरु गुलमह बहुवचन में आ जाएगा के, ठीक है। उसके बाद है महानगर मध्य महानगरेशु वाहनानाम अनंतः पंक्तयः धावंती, तो महानगरेषु सप्तमी विभक्ति है तो केसु आ जाएगा।
किन में वाहनों की अनंत पक्तियाँ दौड़ती हैं। और अगर आप केसुन लिखो तो कुत्र भी लिख सकते हो, तो कुत्र भी सही माना जाएगा, कहाँ पर वाहनों के अनंत पंक्तियाँ दौड़ती हैं। अब ङ भाग देखिए, जो ङ भाग है ङ में है प्रकृत्या सन्निधौ वास्तविकम सुखम विद्यते, प्रकृति के सानिध्य में ही वास्तविक सुख विद्यमान है। प्रकृत्या के स्थान पर आ जाएगा कस्याः, तो कस्याः सन्निधौ षष्ठी विभक्ति आ जाएगी कस्याः। तो ये आपका अभ्यास पूरा हो गया है और इसको आपने लिख कर याद करना है।